उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने लखनऊ में जेएमडी न्यूज से खास बातचीत में वाराणसी में ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर कहा कि सभी वर्गों को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और जो भी ज्ञान व्यापी में सर्वे का विरोध कर रहा है वो न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलों का दौरा कर रहे मंत्रियों पर कहा कि लगातार मंत्री अपने अपने जिलों का दौरा कर वहां की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति ने यह भी कहा कि 1 मई श्रमिक दिवस के मौके पर पहली बार 25,000 होमगार्ड्स को 1 साल का सेवा विस्तार बढ़ाकर उनको और उनके परिवार को विभाग की तरफ से सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 25,000 से ज्यादा होमगार्डों को 1 साल की एक्सटेंशन मिला हो। हमारे साथ समय जेल के मंत्री हैं सर, 1 मई के मौके पर आपने जो घोषणा की होमगार्डों के लिए क्या किया? देखिए 2018 में हमारे गृह विभाग ने 25,000 एक्स्ट्रा होमगार्ड कर्मी पुलिस की सहायता के लिए मांगे गए थे। पुलिस कर्मियों की कमी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय उनको अनुमति दे दी थी। गृह विभाग के पास ही उनका फंड जाता था, होमगार्ड के पास उनका पैसा नहीं था। रिन्यूअल होता रहता था, 6 महीने के लिए चलता रहा। अभी 30 अप्रैल में उनका रिन्यूअल खत्म हो गया। हमें जैसी जानकारी मिली, गृह विभाग पुलिस की भर्ती होने के बाद में सोच रहे थे कि वो इनको न लिया जाए, हमारे पास अब पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी हैं। हमें जैसी जानकारी मिली तो हम कासगंज में थे, वहाँ से देर शाम को भागे। 3:30 बजे सुबह के समय लखनऊ पहुँचे और सुबह संडे का दिन था, ऑफिस खुलवाया और जहाँ जो वार्ता करनी थी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, गृह विभाग में वार्ता की, चर्चा की और लगा कि हमारे पास पैसा भी नहीं है तो हम उनको देंगे क्या। 25,000 होमगार्ड कर्मी का मतलब 1.5 लाख परिवार जो है उनसे प्रभावित हो रहे थे वो परिजन। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करने के बाद में उनकी अनुमति हो गई और वो 1 साल के लिए पहली बार रिन्यूअल हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया और मुझे भी आप संतुष्टि हुई कि जो काम हमने एक अभिभावक जो शब्द बोला था उसकी भूमिका हमने निभाई। 15 मई को रिपोर्ट सौंपनी है सीएम योगी आदित्यनाथ को, आप लोग को जिलों का प्रभार दिया गया, आप लोग भी जिलों के दौरे पर हैं, क्या पाया वहाँ पर, किस तरह की स्थिति है जो आप लोगों ने दौरा किया? देखिए एक तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी स्वयं और पूरी सरकार भीषण गर्मी में जिस जनता ने विश्वास के साथ हमें सत्ता दी और उसी जनता के बीच पूरी सरकार जा रही है भयंकर गर्मी में, ये एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का था। और जाने के बाद जिला प्रशासन के साथ बैठ करके केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नीचे तक ठीक तरह से हो और शीघ्र हो। हर घर जल की योजना जो चल रही है उनका निरीक्षण, स्कूलों का निरीक्षण क्या है, कैसी स्थिति है, बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन कर आ रहे नहीं आ रहे, हम सरकार ड्रेस का पैसा सीधा खाते में दे रही है परिजनों के, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में जो अनुभव आता है उसमें फिर सरकार की ओर से और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो अनुभव मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश का उसमें जो भी कुछ करने की सुधार करने की जो व्यवस्था होगी वो सुधार करके उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। वाराणसी का मुद्दा चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, किस तरह से इसको आप देखते हैं, जिस तरह से वहाँ पर लगा था जो ऐसा है कि 3 जा रही उसका उसको लेकर विरोध वहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो कर रहे हैं? देखिए माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश हो मेरा अपना मानना है कि सबको मानना चाहिए, ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ये उनको भी मानना चाहिए। तो साफ साफ कहना है कि ज्ञानव्यापी मुद्दे पर कि जो न्यायालय का आदेश है उसको मानना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।